Hello friends, I welcome you to our channel Vital Wide Visual. In this video, I am going to share follow-up questions of describe a toy you liked in your childhood. तो गाइज आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी फॉलोअप क्वेश्चंस, तो आप बने रहे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में. गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आज से रिलेटेड देखने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो जिससे कि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ सके. गाइज अगर आपको ये वीडियो सारी देखने के बाद यूजफुल लगती है तब आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो. एंड द लास्ट थिंग इज दैट गाइज अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक सेंड करना है या फिर नेक्स्ट टॉपिक का नेम सजेस्ट करना है तो वो चीज़ आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो. सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज ये वाली वीडियो है पार्ट वन है, इसमें हम सिर्फ 8 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे. सो गाइज जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि इस वीडियो का पार्ट टू होगी. सो गाइज जब वो वीडियो अपलोड हो जाएगी आप उस वीडियो को देख सकते हो. सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन. सो गाइज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज टॉयज. सो इस क्वेश्चन में गाइज आपसे पूछा जा रहा है कि जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं इन दोनों के जो खिलौने होते हैं उनमें क्या अंतर है. तो हमें बेसिकली यही चीज़ बतानी है क्या डिफरेंसेस हैं, ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन द प्रेजेंट सिनेरियो मतलब आज के टाइम में देयर इज़ नो डिफरेंस कि यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ टॉयज कि जो लड़के होते हैं उनके और जो लड़कियाँ हैं उनके खिलौनों में. बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले विद द सेम टाइप्स ऑफ टॉयज, जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं वो दोनों खेलते हैं जो एक ही तरह के टॉयज होते हैं उनसे खेलते हैं, एक ही तरह के खिलौनों से खेलते हैं. बट पर इन द पास्ट मतलब कि पुराने समय में बोल सकते हैं, पिछले टाइम में बोल सकते हैं, पास्ट मतलब अतीत जो बीत चुका है उस समय में देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज टॉयज. उस समय में कुछ अंतर थे जो लड़के हैं उनके और जो लड़कियां हैं उनके खिलौनों में. एट दैट टाइम उस समय गर्ल्स यूज टू प्ले विद डॉल्स किचन सेट्स, जो लड़कियां थी वो क्या करती थी वो खेलती थी डॉल्स के साथ, जो किचन सेट होता है ना जिससे घर घर खेलते हैं उसके साथ. वेयर एज हालांकि जो बॉयज़ हैं प्रेफर्ड प्लेइंग विद टॉयज लाइक गन्स कार्स एंड सो ऑन, और जो लड़के हैं वो खेलना पसंद करते थे जो गन्स होती हैं जो कार्स वगैरह होती हैं उनसे. सो गाइज नीचे आप इसके जो आंसर है उसकी ट्रांसलेशन देख सकते हो. सो इससे आपको ये वाला जो आंसर है वो समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी. सो गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डू यू थिंक टॉयज रियली हेल्प ऑन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट. यहाँ पे एक्चुअली आएगा इन. सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है जो खिलौने हैं वो सचमुच में रियली मतलब होता है सचमुच में सहायता करते हैं जो बच्चों की डेवलपमेंट है उसमें. डेवलपमेंट मतलब विकास, जो बच्चों के विकास है उसमें जो खिलौने हैं क्या वो सचमुच में सहायता करते हैं, आपको क्या लगता है आपको ये बताना है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस हाँ आई कंसिडर दैट मुझे लगता है कि टॉयज रियली हेल्प इन वर्ड्स डेवलपमेंट कि जो खिलौने हैं वो सचमुच में सहायता करते हैं जो वर्ड्स का मतलब होता है चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे होते हैं उनके विकास में. बिकॉज क्योंकि दीज डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि जो खिलौने होते हैं ये डेवलप करते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं वो फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल्स. Toys also nourish their creativity and imagination. Nourish का मतलब होता है पालन पोषण, creativity मतलब रचनात्मकता और imagination मतलब जो भी उनके mind में रचना वगैरह चल रही होती है चीज़ों की वो imagination कल्पना imagination को कल्पना बोल सकते हैं हम, creativity को रचनात्मकता. सो ये चीज़ का पालन पोषण करते हैं. Apart from this इसके अलावा
टॉयज टीच चिल्ड्रन अबाउट शेयरिंग एट सच अ यंग एज। जो टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, वे सिखाते हैं बच्चों को शेयरिंग के बारे में बहुत ही ज़्यादा यंग एज में। एंड और दिस थिंग, और ये वाली चीज़ आयो शेयरिंग है, मतलब वुड इनकलेट, इनकलकेट का मतलब होता है गाइस पैदा करना, इनकलकेट है इसकी प्रोनंसिएशन, इन दैम उनमें द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेवारी है, उसकी जो सेंस है वो उसके अंदर पैदा करती हैं बच्चों के अंदर, विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी गुड सिटीजन इन द सोसाइटी, जो कि ज़रूरी है, मतलब रिक्वायर्ड है, मतलब ज़रूरी है, मतलब ये होनी ही चाहिए एक पर्सन के पास एक अच्छा सिटीजन होने के लिए सोसाइटी में। सो गाइज, नीचे आप इसके एक बार ट्रांसलेशन है उसको रीड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, डज मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रंस टॉयज। सो इस क्वेश्चन में गाइज आपसे पूछा जा रहा है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम बोलेंगे आधुनिक टेक्नोलॉजी, सो उसका जो बच्चों के खिलौने हैं उस पर क्या प्रभाव है। इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभाव। सो गाइज, हियर वी हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, हाँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन टॉयज। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है बच्चों के टॉय पे। बोथ द टाइप ऑफ टॉयज, मतलब दोनों ही तरह के टॉयज अवेलेबल एंड द चिल्ड्रंस प्रेफरेंस फॉर टॉयज हैव चेंज्ड ओवर टाइम। मतलब जो दोनों चीज़ें हैं, टाइप ऑफ टॉय मतलब जिस जिस तरह के टॉय मिलते हैं, खिलौने मिलते हैं, उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसका, और जो चिल्ड्रंस मतलब बच्चों की जो प्रेफरेंस है, बच्चे जिस चीज़ को तरजीह देते हैं टॉयज को लेके, वो क्या हो गए, चेंज हो चुकी हैं समय के साथ। टुडे आज रोबोट्स, ऐप कंट्रोल्ड कार्स आर मोर पॉपुलर। जो रोबोट्स वगैरह जो आते हैं खिलौने, और जो ऐप से कंट्रोल किए जाती कार्स या खिलौने, तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, प्रसिद्ध हो चुके हैं आज के समय में। बोर्ड गेम्स आर बिकमिंग लेस एंड लेस पॉपुलर। जो बोर्ड गेम्स हैं वो कम और कम प्रसिद्ध हो रही हैं। सिंपल एक्शन फिगर्स एंड डॉल्स, जो सिंपल एक्शन फिगर है और जो डॉल है, हैव ऑल्सो बिकम मच मोर डिटेल्ड। वो और भी ज़्यादा वेरवे सहित बन रही हैं जो डॉल्स हैं या फिर सिंपल एक्शन फिगर्स हैं, ये दोनों। सो गाइज, नीचे आप इसके एक बार ट्रांसलेशन है उसको रीड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, हैव वी लॉस्ट आवर हैंड स्किल्स सच एज स्विंग। तो गाइज, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या हमने जो हमारे हाथ के हुनर है, जैसे कि सिलाई, उसको गुआ चुके हैं हम। सच एज मतलब स्विंग, जैसे कि स्विंग, स्विंग का मतलब होता है सिलाई। सो हमें ये बताना है, लॉस्ट का मतलब है यहाँ पे गुआना। सो गाइज, हियर वी हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, हाँ, आई थिंक वी हैव लॉस्ट आवर हैंड स्किल्स। कि हाँ, हम, मुझे लगता है कि हम जो हमारे हैंड स्किल्स हैं, हाथ के जो हुनर है, स्किल्स का मतलब है हुनर, वो गुआ चुके हैं। सच एज, जैसे कि स्विंग मतलब सिलाई, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू फुली ऑटोमेटिक स्विंग मशीन्स। क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है, जो नई, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक हैं, वो स्विंग मशीन आने की वजह से मार्केट में जो इनकी इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है, उपलब्धता बढ़ गई है इनकी, इसके वजह से हम अपनी जो हाथ के हुनर है उसको भूलते जा रहे हैं, उसको गुआ चुके हैं। ड्यू टू दिस, इन मशीन्स की वजह से वी डू आर वर्क वेरी ईजिली। हम हमारा काम करते हैं बहुत ही आसानी से, एंड और इन फ्यू आवर्स और कुछ ही घंटों में कर लेते हैं। नाउ अभी एन ऑटोमेटिक स्विंग मशीन्स हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वो बन चुकी हैं हमारी जिंदगी का एक हिस्सा, जो ऑटोमेटिक सेइंग मशीन्स हैं। सो गाइस, नीचे इसकी भी एक बार ट्रांसलेशन है, रीड करनी है तो कर सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, व्हाट टॉयज आर पॉपुलर विद किड्स इन इंडिया टुडेज। सो गाइस, यहाँ पे आना था किड्स। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आज भारत में ऐसे कौन कौन से खिलौने हैं जो प्रसिद्ध हैं, तो हमें ये बताना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इन इंडिया, भारत में मैनी टाइप्स ऑफ टॉयज आर पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन। सो बहुत तरह के खिलौने हैं जो कि प्रसिद्ध हैं बच्चों के बीच में, सच एज, जैसे कि
वुडन टॉयस जो मतलब लकड़ी के खिलौने होते हैं वो, मैकेनिकल टॉयस, प्लास्टिक टॉयस जो प्लास्टिक के बने होते हैं, बट पर द मोस्ट पॉपुलर पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आर इलेक्ट्रॉनिक टॉयस, वो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज हैं विद विच जिनके साथ चिल्ड्रन नाउडेज लाइक टू प्ले मोर, जिनके साथ बच्चे हैं जो आजकल ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। सो गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज इन जनरल मतलब आमतौर पे डू चिल्ड्रन टूडे हैव मैनी टॉयज, कि जो बच्चे हैं आज उनके पास काफ़ी सारे खिलौने हैं तो हमें ये बताना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, हाँ आई थिंक मुझे लगता है वर्ड्स हैव मैनी टॉयज टूडे, कि जो बच्चे हैं उनके पास काफ़ी सारे खिलौने हैं आज। आई हैव ऑब्जर्व इट, मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, मैंने इस चीज़ को देखा है। आई फील मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है दिस इज जस्ट बिकॉज, ये चीज़ इसलिए है क्योंकि मैनी टॉयज आर नॉट मच एक्सपेंसिव, कि ज़्यादातर जो टॉयज है खिलौने हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, एंड और द इनकम ऑफ देयर पेरेंट्स हैज़ इंक्रीज्ड विद द टाइम, और जो इनकम है जो उनकी सैलरी वगैरह है जो उनकी आमदनी है, इनकम का मतलब होता है आमदन, जो आमदन है जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, माता पिता हैं जो बच्चों के, उनकी बढ़ चुकी है समय के साथ। सो इसलिए दे कैन अफोर्ड मोर टॉयज फॉर देयर चिल्ड्रन, सो इसलिए वो ज़्यादा जो टॉयज है जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा टॉयज अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। अफोर्ड का मतलब होता है कि वो खरीद के उसको दे सकते हैं बच्चों को। सो गाइज द सेवंथ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डू यू थिंक प्लेइंग विद इलेक्ट्रॉनिक टॉयज हैज़ अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन किड्स, तो गाइज इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज है, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं, उनके साथ खेलना, उसके साथ खेलने से जो बच्चे हैं उन पर अच्छा प्रभाव, इन्फ्लुएंस का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है प्रभाव। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि प्लेइंग विद इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, कि इलेक्ट्रॉनिक टॉयज के साथ खेलना हैज़ अ गुड एंड बैड इन्फ्लुएंस ऑन किड्स, इस चीज़ का बच्चों के ऊपर अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव है। इफ़ आई टॉक अबाउट गुड इन्फ्लुएंस ऑफ दिस, अगर मैं बात करूँ अच्छे प्रभाव की जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज हैं इसका, इज दैट वो ये हैं, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज गिव किड्स नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज है ये देते हैं बच्चों को जानकारी जो टेक्नोलॉजी उसके बारे में, एंड और इवन क्रिएट सर्टन इंटरेस्ट इन द इन दैम, सो यहाँ पे आना था दैम, और बनाते हैं खास इंटरेस्ट, खास जो दिलचस्पी है बच्चों में अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। बट पर व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट स्पेंडिंग टू मच टाइम, पर जब बच्चे शुरू कर देते हैं ज़्यादा समय व्यतीत करना ऑन इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक गेम्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक गेम्स के ऊपर, देन फिर दे बिकम नेगेटिव, वो नेगेटिव नकारात्मक बन जाते हैं, एग्रेसिव बन जाते हैं। सो इसलिए इन दिस वे, इस तरीके से दीज हैव अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन किड्स, इस चीज़ का बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। सो गाइज नीचे इसकी ट्रांसलेशन है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डू यू थिंक देयर आर सम टॉयज दैट आर ओनली सूटेबल फॉर गर्ल्स एंड सम दैट आर ओनली सूटेबल फॉर बॉयज, सो गाइज इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि कुछ खिलौने ऐसे हैं जो सिर्फ लड़कियों के लिए टुकवे हैं मतलब सूटेबल हैं लड़कियों के लिए, और कुछ ऐसे हैं जो ओनली सिर्फ जो लड़के हैं उनके लिए टुकवे हैं उनके लिए सूटेबल हैं। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे अब कुछ खिलौने के नाम बता देते कि लड़कियों के लिए डॉल वगैरह या फिर बॉयज़ के लिए कार वगैरह सूटेबल है, सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि ऐसा नहीं है कि जो आजकल है वो लड़की और लड़कियाँ दोनों ही सेम तरह के खिलौने से खेलते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हमने ये बताया पास्ट में डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे ये बता देंगे कि लड़कियों के लड़कियों जो हैं वो डॉल वगैरह से खेल सकते हैं ये अच्छे हैं उसके लिए लड़कियों के लिए, और जो लड़के हैं उनके लिए कार वगैरह,
तो क्या होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे कॉन्ट्रोडिक्ट कर देंगे हम। इट मीन्स कि हम यहाँ पे कुछ और बताने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कुछ और बताया था, इससे इसका मतलब ये निकलता है अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो, कि हम जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं, उसको ही गलत ठहरा रहे हैं। पहले हमने कुछ और बताया, फिर हम कुछ और बता रहे हैं, इट मीन्स हमारा कोई स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट नहीं है, और इसके वजह से ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उसके बैंड्स को डिक्रीज होते हैं। तो अगर फर्स्ट में हमने बताया है कि कोई डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हो आप वीडियो में, पीछे जा के आप देख सकते हो उसमें, तो आपको पता चलेगा कि हमने बताया कि आज के समय में जो लड़की और लड़कियां हैं दोनों ही सेम तरह के खिलौने से खेलते हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसमें भी हम बताएंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें कॉन्ट्रोडिक्ट बिल्कुल भी नहीं करना। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट एनी मोर, कि नहीं ऐसा नहीं है। जेंडर डिफरेंसेस आर डिसअपीयरिंग फास्ट। जेंडर का मतलब होता है लिंग, जो लिंग से रिलेटेड अंतर है, डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं, वो बहुत ही तेजी से अलोप हो रहे हैं। डिसअपीयरिंग का मतलब होना अलोप, एंड फास्ट का मतलब तो तेज होता है, वो बहुत ही जल्दी डिसअपीयर हो रहे हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले विद द सेम टाइप ऑफ टॉयज नाउडेज। जो लड़की और लड़कियां हैं वो खेलते हैं एक ही तरह के टॉयज से, एक ही किस्म के जो खिलौने हैं उनसे आजकल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हमारी आज की ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। सो गाइज, आई होप आज की ये सारी वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल प्लस यूजफुल साबित होगी। सो गाइज, आपको हमारी आज की ये वाली वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।